अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय लेकर के हम आए हैं वह इंक्लूशन पर है, समावेशन पर है, और हम बताएंगे इसका अर्थ और परिभाषा। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बालक एक साथ मिलकर के किसी कार्य को करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाहे वो सामान्य हो, दिव्यांग हो या अन्य प्रकार के बालक हो, ऑर्फन हो या डिस्ट्रीब्यूट हो या एबंडेंट हो। मैंने कुछ इंग्लिश बोल दिया है लेकिन समझे आप लोग? नहीं समझे? देखिए लेक्चर देना कोई आसान है लेकिन हम लेक्चर दे रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं, ये भी बड़ी कठिन काम है। एबंडेंट हो गया, स्ट्रीट चिल्ड्रेन हो गया, आर्फन हो गया, समझ रहे? क्या भी समझ बताइए, जो नहीं समझ बताइए ना। हाँ वेरी गुड। हम यही जानते हैं, हम देखो भाई हमको बहुत कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की इसे मतलब हो, ज्यादा पढ़ने से क्या होगा कि जो पढ़ना है तो भुला दोगे, बहुत कम पढ़ोगे रोज पढ़ो। वैसे बच्चे जिस बच्चे को माता पिता हैं, घर परिवार चाचा दादा नाना नानी सब है लेकिन रखने में असमर्थ, क्लियर? पर त्यागी बच्चा माँ बाप ने उसको त्याग दिया। ऐसे कई बच्चे हैं, मुझे चिल्ड्रन बोर्ड में चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी है, हाँ सरकार की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में काम करने का मौका मिला है, इसका अच्छा अनुभव है। ऐसे बच्चे भी हैं कि अपना औलाद को माँ बाप रखना नहीं चाहते, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? राइट, पहला। दूसरा था वेरी गुड बेटा। हम यही हमारा क्वेश्चन आंसर आपको तरफ से आया है, बहुत अच्छा है कि भाई दिव्यांगता के कारण बच्चे को माँ बाप रखना नहीं चाहते, कहीं बच्चे शक्ति मंदिर यहाँ बचपन हमको छोड़ के चला गया, नाम पता ठिकाना नहीं है, हमारे यहाँ बच्चा का नामांकन करा दिया, बाद में एड्रेस पर गए बच्चा धरने के लिए, साल भर का पता नहीं चला, जानकारी मिलता तो फर्क भी गया। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं जिसके सब कुछ है लेकिन प्रत्यागी बच्चा, प्रत्याग कर दिया गया, और उसके कारण है गरीबी, बच्चा को इलाज खाना पीना नहीं मिल रहा, हो सोचता है छोड़ दे कहीं जाएगा तो खाना पीना सेवा तो होगा। दूसरा क्या है? बच्चा दिव्यांग हो। तीसरा क्या है? तीसरा कारण सुनो, हमको कम पढ़ना है लेकिन अच्छा से पढ़ना। पूरे जी बताइए तीसरा कारण क्या हो सकता है? अनसाउंड माइंड। वो तो हो गया, ठीक है। मतलब बहुत सारा बच्चा हो तो भी हो सकता है, बहुत सारा बच्चा समझदार हो लेकिन एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर समझते हैं? पूरा जी आपको जानना चाहिए एंटी सोशल बिहेवियर, समाज के विपरीत में काम करे सर। हाँ समाज से विपरीत काम करे, चोरी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, दिस इज कॉल्ड एंटी सोशल। जानना पड़ेगा ये भाई, क्लियर बात है? पढ़ोगे तो समझोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझोगे। आखिर जब सब कुछ उबले 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 और किताबें बता देते गुरु की क्या जरूरत? तो कितने कारण होंगे? चार कारण। बच्चा अच्छा रहता है भी माँ बाप उसको छोड़ देता है, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि माँ बाप के बस में। एक जगह कहानी है, जब बच्चा वो चोरी करता था, कुछ बेमासी करता था, पिताजी उसको मार के जाग किया करता था, और माँ माँ को मारता भी होता है, उसके अंदर जो चोरों बचा उसको सही नजर आता है, तो माँ बचाती थी, तो माँ बचाती थी बच्चा को, चोरी बदमाशी आदत हो गई, एक दो बार किसी चोरी ने किसी बदमाशी के कान में बच्चा फेरा में पड़ गया, फेरा में पड़ गया तो जब आदमी को एक बार जेल से जाता है, अब दोबारा वह आता है तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं, अरे तो बदमाश चोरी किया था, रेल में गया, अरे तो डर ही गया, तो बदमाश है, तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो सोचता है कि अब तो हम दर्द का पैर लगा,
फंस गया। अब हमको यही भाएगा, दूसरा भाएगा तो देखते नहीं लिखा रहता लटकने तो गेले बेटा, लटकने तो गेले बेटा। तो जहां एक बार उस दलदल में लटक गए, पैर पड़ गया, फिर निकलना बहुत मुश्किल है। वो लड़का दिन चला गया, पिता के लिए भर गए थे तो माँ गई मिलने के लिए। तो माँ बोलती है क्या, पहले बोलना काम, पहले बोलना शुरू कर। लड़का समझ गया, देख मानी तोरा चलते आज जेल में हमरा, हाँ बाबू हमरा मारत रहे तो तुम हमरा बचावत रहे, और बाबू हमरा ठीक करत रहे, मारत रहे तो ठीक करत रहे, और तू हमरा चुपे चुपे पैसा देत रहे। बाबू ठीक रहे मर गए जाएगा, और तोरे चलते हम जेल में ही, और तू रोबत दिया समझी ना। हम क्या समझ में होंगे आपको, तो पढ़ाई का मतलब क्या है ना, एग्जाम्पल देकर के पढ़ाई। तो पाते हैं समायोजन बहुत ही चक्कर है। और समायोजन को उदाहरण तो आप लोग लड़कियां पाला पोसा खाया पीला खेला कूदा और फिर किसी और के घर चल गया संभालने के, हारे हारे पर ग्रुप हम लोग जाएंगे तो लड़ाई भी लगे हम लोग कोई रखने नहीं लगा देगा हम लोग वही जाते हैं। लेकिन ये भगवान शंकर जब बनाया विधि विधान जो हो गया और जाकर के वहां नए जगह में जाकर के एडजस्टिंग कर जाते हैं। तो एडजस्ट का उदाहरण एक महिलाओं से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। पुरुष एक घर कोई कुल को डालता है, अब नारियां दो तुम्हारा तुम्हारी है ठीक है आगे भी रहेगी। तो देखो भाई इन पुरुषों समावेशन पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम विशेष इसलिए पढ़ाते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते पढ़ा के निकल जाएंगे तुम लोग समझ नहीं करेगा बेटे क्या होता है मंडन क्या होता है एंटी सोशल एंटी करप्शन वगैरह। तो जानना बहुत जरूरी है, एक एक पढ़ लो, नहीं जानोगे तो फिर पढ़ने का कोई मजा नहीं कोई अर्थ नहीं है। तो इसका है कि मिला करके पढ़ना समावेश होकर के पढ़ना विज्ञान समान या आप लोग पढ़ रहे हैं स्त्री पुरुष नर नारी ट्रांसजेंडर सब मिलकर के एक भाव से समावेशन करते हैं, इसका और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अब देखिए यूनेस्को कुल को क्या कहें यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक है हाँ। तो इन्होंने जो है दिया है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामग्री उपगमों संरचना और रणनीतियों के बदलाव एवं संशोधन नहीं है। आने कहने का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए वैसा भाव होना चाहिए। अब जैसे दिव्यांग बच्चों को हम रखते हैं तो दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर होना चाहिए, दिव्यांग बच्चों का रैंप होना चाहिए, डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट होना चाहिए, क्या है अगर हमारे पास सुविधा नहीं है फिर इंक्लूसिव कहां से होगा। वो तो हवा वाली बात कर रहे हैं, पेपर कैसा क्वेश्चन दिया था यूनेस्को ने दिया था क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर मिलेगा फुल पब्लिक पेपर पांच नंबर बनेगा तो विस्तृत लिख दीजिए। हाँ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद है आरईएफए। ये क्या है आरईएफए का मतलब ही होता है सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल हाफ, एजुकेशन फॉर ऑल एफा, ऑल एफा का मतलब है शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, यानी सभी बच्चों को सीखने का अवसर होना चाहिए। वैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट राइट टू परसेंट की डिस्कवरी दिसंबर 2016 में कहा गया है कि
सभी बच्चों को लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन में भी है। तो एजुकेशन ऑल ओवर 3-4 इयर्स तक बच्चों के लिए है, इसको बोलते हैं ऑल एफ का मतलब ये होता है एजुकेशन इन ऑल एफ। एजुकेशन इन ऑल एफ का मतलब है सभी के लिए शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, इसकी हिंदी यही होती है। आगे है देखिए बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूसिव एजुकेशन से फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है? पहला अनुभूत अधिकार, अनुभूति का अधिकार। अनुभूति का अधिकार मतलब हम एक दूसरे को समझते हैं, अनुभव एंड जैसे इनका स्तर कुछ है, आपका कुछ है, उनका कुछ है, सही क्वेश्चन था सर हमने तुमको समझा नहीं, परीक्षा दी, सही बात है। तो ये क्या है कि हर का किसी का स्टडी लेवल हाई है, किसी का लो है, तो हम लोग आपस में एक एजुकेशन बिठाते हैं तो उसको पढ़ाई कर लेते हैं। तो क्या है अनुभूति का अधिकार, अनुभूति होता है कौन बड़ा कौन छोटा, किसकी आयु कितनी, किस स्टैंडर्ड के लायक है, किस बिहेवियर के लायक है, ये समझ में आती है। दूसरा मूल प्रतिभावित, मूल प्रतिभावित का मतलब होता है कि आपका कितना इफेक्टिव है, कितना रेडिएशन आप शिक्षा के प्रति, शिक्षा के प्रति जो है आपकी कितनी लगाव है और कितनी इंटरेस्ट है आपका, इसको कहते हैं मूल प्रभावता यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसके बाद है आपका लेस डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट, इसका मतलब है न्यूनतम प्रतिबंधक वातावरण यानी पढ़ाई के लिए एक माहौल होना जरूरी है। अगर यहाँ भी बाजा बजते रहे, हो हंगामा होते रहे तो क्या इतनी शांतिपूर्वक पढ़ पाएंगे, आपकी वीडियो बन पाएगी? तो क्या है कि एक एनवायरमेंट होना अति आवश्यक है इंक्लूजन के लिए। जैसे रैम हो गया, क्लासरूम अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे बच्चों का क्लासरूम लाल पीला हरा गुलाबी और ताकि वो अट्रैक्ट हो सके। ये तो बच्चों के बारे में, बच्चा होता है पढ़ना बाद में, पहले तो उसकी मनपसंद की चीज है। हाँ, इसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सभी के लिए समान अवसर। हाँ, सभी के लिए, चाहे वो दिव्यांग हो, वो सामान्य हो, ट्रांसजेंडर हो, गरीब हो, अमीर हो, अनाथ हो, डिस्ट्यूट हो, जो भी हो, सभी केवल एंटी सोशल बिहेवियर हो उसके लिए सबके लिए शिक्षा समान होती है। इसके बाद बालक स्वयं की प्रकृति बनाए रखता है। बच्चा का प्रकृति कैसा होता है पता है, उसका अपना प्रकृति है, वो आपके अनुकूल नहीं चलने वाला है, वो अपने अनुकूल और आपको भी उसके अनुकूल चलना होगा। आप अपने अनुकूल चलिएगा, वो तो अनुकूल चल ही रहा है अपना, तो काम नहीं हो पाएगा, आपको उसी के अनुकूल चलना होगा। अगर वो पढ़ने के लिए रेडी है तो आपको ही पढ़ने को सुविधा लगाना होगा, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप खाओ है तो भी अपने आपको फ्रेश रखना, क्योंकि रेस्ट आयरन इज हॉट देन यू बीट एंड मेक ईच एंड एवरीथिंग। जब वहां गर्म है मीडियम सब कुछ प्राप्त कर सकता है ना। तो बच्चों की जब इच्छा है तो पढ़ाई में देखिए सब कुछ कर सकता है, अगर इच्छा नहीं है जबरदस्ती कुछ ज्यादा नहीं जा सकता है, साधारण बच्चे ज्ञान। चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड सेंटर या देखो इच्छा का बेनिफिट है चाइल्ड सेंटर। क्या है कि चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है समावेशी शिक्षा का केंद्र बिंदु। चाइल्ड सेंटर मतलब बाल केंद्र, बाल केंद्र, बाल केंद्र है। तो बाल केंद्रित सेंटर होना चाहिए, बाल केंद्रित यानी बच्चों को सिखाने से ओवर प्रोड होना चाहिए, लाल पीला हरा गुलाबी। अच्छा बच्चा को सिखाना है हमको जो उसके सामने में है, हम सिखाएंगे पहले उसको नजर नहीं है, जानते हैं
हाँ कैसा कहलाते हैं, बोर्ड कहलाते हैं, बोर्ड का कलर ग्रीन है, हाँ उसमें एक इंटरेस्ट लगेगा, उसको दया आके हम कुछ जानते हैं और उसको एबीसीडी सिखा दीजिए। उसमें एक और भी उसको तो ज्यादा नहीं है, एबीसीडी है, एबीसीडी सिखाना है तो पहले रेड से दिखा दीजिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए। और उसमें ये भी होना चाहिए अगर बच्चे को मैथ बुक नहीं पढ़ने का मन है तो ना ही नहीं पढ़ाए, तो उसका बुक पढ़ाए, छोड़ दीजिए अभी उसको। ये सर नहीं अभी आपको ये पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है तो वैसे नहीं पढ़ेगा, तो ऐसे करेगा तो उसको पढ़ने का मन नहीं, का पढ़ेगा रखा का व्हेन आई एम इन हॉट, इसको याद रखो, व्हेन आई एम इज हॉट देन यू And make check everything. When the student is ready, then you also get ready. The whole ready hai, aap bhi ready ho jaiye. बहुत सारे देखो पूरी मैं बताया ना एक शॉपिंग मैं लाया हूँ जो दोनों आपका भी है नसें दोनों भी लाभ है आगे है टीचर इफेक्टिव रिक्रूटिंग ऑल चिल्ड्रन लर्निंग प्रोसेस प्रोसेस की बात भी है प्रोसेस में बहुत कुछ होता है। अब आगे क्लास में आ गए ये बच्चा है उसको पता नहीं बैठा रहेगा आप आएगा आप छी मार दो उसको कौन से आना बंद कर देगा मिस मारती है उसको बताना होगा नहीं बेटा क्लास में आ रहे हैं तो आप लोग पूछना चाहिए उसको ये बताना कि गुरु जी आए हैं बेटा ये गुरु जी हो गया उसको बताना है कि हम भी बच्चे हैं तैयार हो तुम बैठा है समाज में कहां है तो साइकोलॉजी से पढ़ाना क्या गलत होता है बिना साइकोलॉजी पढ़ाए कोई नहीं सकता। इसके बाद सोशल इंटरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो नमस्ते वो प्रणाम नहीं करेगा तो आपको करना होगा हाँ जी नमस्ते समझे आप सोचेंगे हम गुरु जी हैं तो आपको गुरु जी हैं ही हैं सरकार को सदैव करेगा इन बच्चों को सीखोगेगा अगर तुम कहेंगे कि हमको कुछ करना है तो भैया ये करना पड़ेगा। लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है संचार कौशल का ज्ञान। संचार कौशल का ज्ञान क्या होता है ना हम जो बोले जैसे अभी हम अंग्रेजी पक्के निकल जा रहे थे लेकिन बीच में मेरे दिमाग में आया कि जो अर्बन एंटी सोशल बिहेवियर और ये अमेंडमेंट स्क्रिप्ट तो समझ में नहीं करेगी तब पहले हमको रुक जाना चाहिए और रुक के बताना मैं बता दिया आपको तो आपको संचार कौशल नहीं समझिए बच्चों के अनुरूप बच्चों का अनुरूप मतलब क्या है वो कहेगा अरे दुनिया 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 ना ये नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे अच्छा सब तुम जो पढ़ेगा वो पढ़ाएंगे ठीक है नहीं तुम जो पढ़ो वही पढ़ाएंगे वो सब कहते जैसा ना कुछ नहीं हुआ खड़ा है टीचिंग लाइन बहुत डिफिकल्ट वर्क है आपको कमाना है तो नौकरी मिल जाएगी खाइए पिए फिर बच जाइएगा अगर कुछ करना है तो एक बच्चा को ऐसा बना दो बना नहीं कहा नहीं कहा तो दिया हमें वो बच्चा को बता दिए थे फिर पढ़ा फिर पढ़ाते पढ़ाते 700 बच्चों से क्या है अच्छा मैं नहीं हूं तो कला होता है पढ़ाने का तुम्हें ज्ञान है जो तुम्हारे पास आएगा नहीं ज्ञान है कौन पूछा आगे है डेवलप ऑफ सोशल डिजिटेबल बिहेवियर। सोशल डिजिटेबल बिहेवियर मतलब है सामाजिक सामान्य व्यवहार बच्चों को सिखाना होगा स्टैंडर्ड। अच्छा दादाजी आए हैं प्रणाम करिए पैरशूट प्रणाम करिए किनको पैरशूट प्रणाम करना है किनको ऐसे प्रणाम करना है कब नमस्ते प्रणाम सलाम करना है तो ये चीज को सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी होता है बच्चों को सिखाइए वो जाए प्रणाम करें इसमें गाता क्या है
प्रकृति ने दिया हुआ निशुल्क वहां है, करते रहिए, नदी नाला पेड़ पौधा सबको कंट्रोल कराया जाकर क्लास में। ऐसे यदि प्रणाम करता है, कौन कौन पेड़ को पूजा करता है पूजारी बताइए, और कौन कौन नदी को पूजा करता है, गंगा माई का वास है। एक पौधा में किसका किसका पूजा करता है, पीपल का, बरगद, तुलसी, नीम, दोनों महीने हम पंडित है। तो जब पेड़ पौधा को हम पूजा प्रणाम करते हैं तो जीवित मानव को कोई नहीं करेगा, बच्चा है वो क्या है, वो तो आप सचात भगवान का रूप है, उसको तो रूप प्रणाम करिए, वो भी सीखेगा बिना ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग बस ट्रेनिंग सोचने का, सोचने पर डिपेंड करता है क्या आप कैसे सोचते हो और कैसे तुम काम करते हो। आगे है सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों का विकास करना, यानी टू डेवलप आवर पॉजिटिव पर्सनालिटी, आई सकारात्मक व्यक्तित्व। सकारात्मक व्यक्तित्व का मतलब होता है कि बच्चों में जो सोच पैदा करिए, नहीं सर आज नहीं हो पाएगा, खुशी होगी कि हम बोले तो आकाश दे दे चार बनना और सुबह इतना त्रास, अच्छा चलो दुबो कैंसिल कर दिए, ये दुबो नहीं बनाना है, एक ही दुबो बनाना, उसने कहा हाँ अरे बहुत अच्छा, तो हमको उसको खुशी को ही देखना है, उसका खुशी को देखना है, अरे उसकी खुशी को हम नहीं देख पाएंगे ना, हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, शिक्षा का सही काम नहीं कर पाएंगे। शारीरिक और मानसिक विकास, आप लोग तो 3 घंटा बैठा के पढ़ाते रहेंगे तो कहीं अगर दैनिक सब हो गया तो क्या है उसको बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल कुछ टिप्स, ताकि आपका वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड माने निकलते रहे ऑक्सीजन जाते रहे, तो कैसे होगा जब आप छूट करके हंसेंगे। तो बच्चों को भी शारीरिक और मानसिक आने टाइम का बच्चों खेलने का मौका देंगे, जब अच्छा ये टीचर नहीं है तो आज 1 घंटे को खेल रहे कर रहा उसको भी देगा तो नहीं हमको बाकी कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो हमको लगता है खेलने के लिए कभी कहा नहीं करते गुरु जी भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सब खाली पढ़ने के लिए करता है, खेलने के लिए कोई नहीं करता है, समझे। तो कभी कभी अपने मन से कहिए आप भी खेलने लगे बच्चों के साथ, क्या आनंद लगेगा, क्या सीखेगा, इसलिए उसके मानसिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना शिक्षा का काम होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी विकास होता है ना, बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे है सामान्य जानकारी का विकास करना, यानी इंक्रीज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कैसे विकास होगा, तरीका बताओ, आप टीचर हैं पेपर पढ़िए, बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं देखिए क्या लिखा हुआ है पढ़िए, पर भव आभा प्रभात खबर खबर, अरे ये तो पेपर हमारा बच्चा गया पता एडमिशन के लिए, क्या क्या नाम दे बाबू, एबीसीडी लिख दिया, स्मॉल हाँ आधा नाम दे दिया, और क्या नाम दे दो वन लिख दिया, पढ़ते क्या करो हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पता कहाँ पढ़ लेते हैं, गधी बात है कि हम तो इंग्लिश में पढ़ लाया इंग्लिश में, तो हमने सूची कहाँ दिया था, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ टाइम्स ऑफ आई इन इंडिया, हो गया एडमिशन सर, इसका क्या कुछ है यार, पढ़ दिया तो क्या होता है बेटा, एबीसीडी सिखा देना तो एबीसीडी में रहा है, हमने बच्चों को कुछ सिखाया जो सामने हाजिर है, तो ये जनरल नॉलेज होता है, अब जो सराउंडिंग में सिखाया क्या उसको जनरल होता है, और एबीसीडी क्या है बुक फॉर्म है किताब की है, तो किताब की किला जल्दी बच्चा नहीं सीखेगा, और जनरल नॉलेज ई एम्बुलेंस है, अभी बस्तर में एम्बुलेंस लगी रहती है, सरकार लगता है दिया है,
तो बेलपत्र तोड़े जा रहे हैं, पुस्तक ऑफिस में है, यहाँ पुलेरी में। तो हमारा बच्चा, ये क्या है दादाजी, ये तो गाड़ी है, तो एम्बुलेंस ये क्या होता है एम्बुलेंस, जब बीमार पड़ता है दादी जाता है, इसी में इलाज होता है, इसमें इलाज भी होता है बेटा, तो डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, ड्राइवर बैठता है या डॉक्टर बैठता है, ये क्या लिखा है पढ़ो ना, तो पढ़ रहा है पी ए टी आई ए पेशेंट, हम पेशेंट हो इसी को पेशेंट, हाँ और क्या ए एम बी एल इवेंट, अच्छा पेशेंट एम्बुलेंस, हाँ पेशेंट एम्बुलेंस है, अब उसको समझ में आ गया। तो कल किताब ये देखिए ना, वहाँ एम्बुलेंस था ना, वही एम्बुलेंस है, हाँ वही एम्बुलेंस है, दिस इज सॉल्व जनरलाइजेशन, क्या बोलते हैं सॉल्व, हाँ बच्चा सीख गया प्रॉब्लम हो गया, तो इसको कहते हैं ट्रेनिंग बेटा, कभी कभी उसको मनोरंजन खेल कूद कभी बाहर ले जाइए, हमको गुरु जी ले जाते हैं साइकिल पर बैठा देते हैं, इतिहास में पढ़े बाहर हम लोग स्कूल नहीं थी बगैचा पढ़ते थे, हे प्रभु अगर आज एक वर्षा पड़ने लगेगा तो छुट्टी दे, गुरु जी अपने खाते थे, हम लोग भी बोरा रखते थे, बोरा रखते थे बोरा और कान में वो झोला, अरे बोरा का झोला बनता है, हाँ कॉपी किताब रखने के लिए, हाँ अभी भी बहुत सारे गांव में लेके जाते हैं, हाँ बस्ता, ठीक है लगता है कोई ये लगता है, लेकिन बात यह हुई थोड़ी तो नया जमाना में ही गाली भी अब तो सब कॉन्स्टिट्यूट हो गया, और तो क्या है हमको गुरु जी ले जाते थे कहीं खेल कूद होता था, अरे क्या खाएगा हम रसगुल्ले पता नहीं सर लट्ठो, और सब माए बाप गुरु जी मित्र सब जानता था कि लट्ठो पसंद इसका है, लट्ठो समझती हो गुड़ का बनता है, हाँ चना का है मेरे यहाँ, अच्छा भी खिलाएगा मेरा जन्मदिन है ना तो आपको सबको लट्ठू भी खिलाएगा, फिर दो पैसा कुछ खा देता कुछ घर ले आता और दोस्त लोगों को देते थे, मेरा चचेरा भाई को बताना है तो भी खा पूछे ना, तो गुरु जी हमको सब जगह ले आते थे क्योंकि हम खेल कूद में बहुत अच्छे थे और पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा थे, मैंने अपने बैच में तो हम लोग सब पागल रही होते, हम लोग कुछ नहीं आता था, हम लोग बेवकूफ जहाँ रोड न बिजली न पानी कुछ नहीं, यही था ये तो किसी तरह से गुरु जी का आशीर्वाद है, हमें पहुँच गया, तो मनोरंजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी पड़ता है, और कल अगले क्लास में मैंने बताया था कि भाई कभी भी एक रिपोर्ट स्टूडेंट से एक रिपोर्ट बिठाओ, मैं एक संबंध बना सोशल ताकि विद्यार्थी बेहिजक कभी भी कुछ पूछ सकता है, उसके मन में कोई हिजक नहीं करना, हिजक रह गया तो सीख नहीं पाइएगा। आगे है सामुदायिक कार्यों में भाग लेना, आई एम पार्टिसिपेंट कम्युनिटी वर्क, भैया मेरे देखो ये बेनिफिट ऑफ जो भी है आइए भाग गई, आई हो खड़े रहो घर का काम है रो, तो मैं भी काम से आया, मेरे को सिनेमा देखने नहीं आया, और सिनेमा देखना भी कार्य है, अगर आप अच्छी सिनेमा देख रहे हो तो बहुत कुछ मिलता है उसे नहीं है, वो सिनेमा का गाना हम गा देते हैं, जगवा में केहू नहीं आपन आपन कहावे वाला केवा, कितना अच्छा रेडी सब कोई अपना नहीं, न माय न बाप न भाई है कोई, न पति न पत्नी कोई नहीं, बस भगवान शंकर बनाए हैं इस संसार को चलाने के लिए माया, ये कोई अपना है वही एक चीज है, क्या है बस इसके अलावा कुछ काम नहीं है, सब बेकार है, यही आपको ऊपर भी जाइएगा तो आपके साथ जाएगा, साथ कैसे जाएगा, जब लोग चर्चा करेगा कि भाई
चीज था, हम एक चीज की। लेकिन एक चीज और जानते हैं कि हम एक और भगवान हमको आशीर्वाद हमारे हाथ में जस दे दिए कि नौकरियां जीवन से बहुत हुई। इस मामले में कभी मैं बैठता रहता हूँ, याद रखो अपनी नौकरी का ठिकाना है, दूसरा का नौकरी लग जाए चलिए जगत कब तक जब तक चलिए। वो कहावत है अपने दिल्ली नगरी दूसरा को देते बदला, हमें याद रखना है हमारा नौकरियाँ नहीं है दूसरा नौकरी देते हैं, तो हम अपने नहीं देते बेटा। नौकरी विद्यार्थी अपने ज्ञान और कर्म विश्वास से लगता है, हम उसमें सहारा सहायक करते हैं। जय।